मित्रों नमस्कार, मैं विकलांग साथी ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं। मित्रों, आज थोड़ा सा बहुत आक्रोश है, कुछ दुख है, कुछ कष्ट है। एक भारत टीवी की तरफ से एक वीडियो मिला है, मुझे विशेष रिक्वेस्ट करके यूट्यूब पे डालने के लिए, इस चैनल पे डालने के लिए, और वो देख करके उस पर एक शिकायत भी है कि आप देखते हैं विकलांग साथी ट्रस्ट को, उन्होंने टीवी की तरफ से एक चुनौती दी गई कि आखिर आप क्या कर सकते हैं। एक दिव्यांग अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी के साथ जा रहा था, अपनी साइड पे थे, गाड़ी चला रहा था, उसके एक पैर नहीं है, उसको पुलिस ने पता नहीं किस कारणवश, कुछ भी नहीं समझ में आता है, अभी थोड़ी देर में आप वीडियो देखेंगे, इतना मारा इतना पीटा है। ये घटना है कन्नौज की दरिंदगी उस पुलिस वाले की। मैं पूरे पुलिस वाले थाने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन पुलिस कांस्टेबल की इस दरिंदगी से मैं आहत हूं, मैं व्यथित हूं, और मैं इस वीडियो को, इस यूट्यूब को प्रधानमंत्री तक तो जाता ही है और रक्षा मंत्री महोदय के पास जाता है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के पास जाता है। मैं इसे कन्नौज के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान साहब के पास भी इस वीडियो को भेजने का प्रयास करता हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और मैं इस चैनल के माध्यम से इस बात की विकलांग साथी ट्रस्ट मांग करता है कि इस क्रूर सिपाही को तुरंत न केवल हस्तक्षेप किया जाए बल्कि इसको दंडित किया जाए और इसके साथ आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ एफआईआर लिखी जानी चाहिए। वो एफआईआर लिखवाना चाहता था लेकिन पुलिस का कहा पुलिस के विरुद्ध एफआईआर लिखी जा सकती है, बताया जा रहा है। उसका कांस्टेबल का पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो कांस्टेबल जो मारने का कारण बताया है कि वो हॉर्न देने के बाद मोटरसाइकिल पे जनाब आ रहे थे, पीछे हॉर्न देने के बाद वो अपनी वाहन को, पत्नी को बैठा रहे हुए जो चला रहा था उसको हटा नहीं पाया था जल्दी से, क्योंकि बाहर बाएं तरफ हटा था, उधर गड्ढा था, सड़क टूटी हुई थी, तो इसलिए उसने उस पर किया तो उनको देर हो गई, तो इसलिए रुक गए, उस पर रोक करके इतना मारा, मारते हुए रास्ते में लाए फिर थाने पे। आप देख सकते हैं उसको धक्का देकर किस तरीके से गिरा दिया गया। पत्नी अरदास करती रही, प्रार्थना करती रही, विनती करती रही, उस पाषाण हृदय के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं। मैं मित्रों ये कहना चाहता हूं विकलांग अधिनियम के तहत भी इस विषय में कार्रवाई की जा सकती है। मैं इस वीडियो के साथ विकलांग साथी ट्रस्ट अपना एक निवेदन करेगा और इस पे कार्रवाई करने की मांग करेगा। मैं सभी संस्थाओं से, दिव्यांग हितैषी संस्थाओं से, मानवाधिकार हितैषी संस्थाओं से इस दिव्यांग के प्रति किए गए अत्याचार के प्रति सभी को हस्तक्षेप करने का एतद द्वारा अनुरोध करता हूं। आप लोग इस पे हस्तक्षेप करें ताकि बहुत सारे और भी मामले हैं जो प्राय आया करते हैं। कि मैं ही अपनी बात बताऊं, एक बार जब मेरी पत्नी इलेक्शन लड़ रही थी उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का, तो मेरे सामने ही मुझे रात में पुलिस वाला धमकाने आया, दरोगा, वो तो सीओ टाइप का था, वो मुझे धमकाने आया, फिर मैंने उसको जिस तरीके से लताड़ा और 10-12, लेकिन मैंने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती कि मुझको धमकाने आए हो, फिर वो उधर से विपरीत दशा से पैसा लिए हुए था। खैर उस पर कार्रवाई की, उसको लाइन हाजिर पे मैंने करवाया और उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन इस तरीके के कार्य बहुत होते हैं, न केवल गैर दिव्यांगों के साथ, दिव्यांगों के साथ भी बहुत अत्याचार होता, बड़ा उत्पीड़न होता, सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई इन दरिंदगों के खिलाफ करनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप इसी तरीके से हमारा ये यूट्यूब चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ये आपकी आवाज बनकर ये चैनल उभर रहा है, बड़ी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आप लोग भी इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए, इसे शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपकी आवाज अगर दबी रहेगी, आपकी आवाज अगर बाहर तक नहीं जा पाएगी तो हम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। दिव्यांगों के हितों को समर्पित इस दिव्यांग चैनल को आगे बढ़ाने में आपका योगदान बहुत बहुत वांछित है।
आप हमें आपने हमारे ऊपर छप्पर चलाया, आप ये बताइए क्या गलती हुई? मैं बच्चे को दवा दिलाने आया तो माँ चाचा बोले इधर से ट्रक आ रहा था, तो मैंने कहा ट्रक निकल रहा भाई, मैं आ रहा हूँ चचा, बड़े चचा आपने बोला। नहीं नहीं, हमारा काम है भाई, हमारा काम है कवरेज करना। इतना मारा सर जी अपना दिखा के, ये देखो फोड़ दिया, ये मेरे सब कुछ पटर लेटर सारे तोड़ दिए, मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने, मेरा इसमें भी रोड पड़ी, तो मैंने कहा मुझे थाने ले चलो, कानून मेरे के लिए भी है। ये गलत कर रहे भाई, ये कानून गलत कर रहा भाई, मेरे साथ बच्चे आए का अन्य आए बोला भाई, मेरी भी इज्जत है भाई, मैं मेहनत से कमाता हूँ, इस सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ, मैं भाई मैं अपना इज्जत चाहता हूँ भाई, बस सर मैं इज्जत चाहता हूँ बस, सहयोग मुझे भाई मिल के मेरे जूता मार देते, नहीं नहीं पुलिस की धमकी दिखा के मैंने गलती नहीं करी सर जी, कदम से सर जी मैं कहता हूँ, फिर भी मुझे पीटा सर जी, क्यों मुझे पीटा भाई है? मैं पच्चर दबाना, मैं अगर रॉन्ग साइड में हूँ या गलत साइड में हूँ तो आप बताइए, मैं साइड में बिल्कुल जायज में था, तो सर जी मेरे कान में इतनी तेज मारा मुझे कम सुनने लग गया, कदम से ये देखो ये बैठे, मैंने कहा भाई मैंने आपको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, अगर बोला नहीं हो तो बताइए आप फिर क्यों मार रहे मुझे, है आपका ये कानून है, मेरे पास हथियार नहीं है, देखो सर मेरा ये भी टूटा पड़ा सर जी, मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने आया, अब ये रहा सर जी जो भी है सर, मैंने कहा सर जी मैं आपको कुछ नहीं बोला, अब आगे बाद मुझे इनने पीटा सर जी, मुझे ये भी मेरे रोड पड़ी सर जी, मेरा कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, मैं अपनी इज्जत से कमाता हूँ, किसी को गलत नहीं बोलता हूँ सर जी, कोई अगर मेरे खिलाफ कह दे मेरे सौ जूता मारो, मुझे केस में रफा दफा कर दो, लेकिन सर जी मेरा कला सर जी देख लो आप सर जी, आप ही लोग हो सर जी, देखो मुझे सर जी प्रथम मार, अगर मैं गलत चला हूँ सर जी तो मुझे गलत मार दीजिए, मैं गरीब हूँ तो मैं इज्जत कमाता हूँ तो मेरी बेइज्जती रहे, इतनी क्या चीज़ है जो मुझे सच्चाई मिले, अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल करो, मैं नहीं कहता चाबी फोड़े से ले लिया मेरे गलती है, ये कहीं भी गिरा ये बढ़ेगा,